हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो गाइस। तो आज जो है गाइस, आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ जापान का कॉइन लॉन्ड्री, जो कॉइन डाल के लॉन्ड्री होता है, जो हम लोग को कुछ हाथ लगाने की जरूरत नहीं, अपना ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए, सब ब्लैंकेट ले जा रहा हूँ धोने के लिए, ठीक है ना। तो अभी जा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो गाइस देखिए, मैं आ गया कॉइन लॉन्ड्री का नज़दीक आ गया, देखिए फाइनली। तो मैं अभी अंदर जाऊंगा और क्या क्या प्रोसेसिंग है, कैसे क्या करना पड़ता है, सब आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए गाइस, ठीक है, ओके। तो गाइस देखिए, मैं अभी ब्लैंकेट लेके अंदर जा रहा हूँ धोने के लिए। ये देखिए मशीन, आज देखिए मैं एक ढकना खोल दिया, अब इसका अंदर ये डाल रहा हूँ एक एक करके। ये डाल दिया, इसको भी डाल दिया, इसका अंदर सब है, सर्फ वगैरह सब कुछ है। अब ये इसको मैं बंद कर दिया। अब मैं डालूंगा कॉइन इसमें, तो कॉइन के लिए मुझे कॉइन चेंज करने का यहाँ पर नहीं है ना। है मिला। तो गाइस मैं ये बंद कर दिया, अब जो है मैं इसको कॉइन लेना पड़ेगा एक्सचेंज करके, चेंज करके। ये देखिए यहाँ से मैं डाल रहा हूँ चेंजिंग के लिए, क्योंकि इसमें कॉइन डालना पड़ेगा, विदाउट कॉइन का नहीं चलेगा, नोट नहीं चलेगा। ये देखिए मैंने कॉइन ले लिया, अब मैं इसमें डाल दूंगा। 800 येन लगेगा मुझे, ये 800 येन लिखा है, 800 येन लगेगा। तो ये देखिए मैं कॉइन डाल रहा हूँ, एक दो चार पाँच सात आठ, ये 800 येन डाल दिया। अब मेरा मशीन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, ये देखिए मशीन चालू हो गया। तो गाइस देखिए, ये जो कॉइन मशीन है, मैं इसमें कॉइन डाल दिया, देखिए 31 मिनट लगेगा, ये ऑटोमेटिक देखिए चालू हो गया मशीन। ये जो है इसमें सर्फ वगैरह सब ऑटोमेटिक आ जाएगा सब। तो ये ऐसा होता है जापान में कॉइन मशीन लॉन्ड्री। ये देखिए सब इसमें डिटेल्स है, ये चल रहा है, ये 30 मिनट होने के बाद ऑटोमेटिक धो के आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं आके निकल के फिर इसको ड्राई करने के लिए यहाँ पर डालूंगा। ये ड्राई मशीन है, इसमें डालूंगा, इसमें लगेगा 100 येन, जापानी 100 येन। तो उसका भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पहले धो ले दीजिए उसका बाद दिखाता हूँ। और इसमें देखिए शूज़ धोने के लिए ये है, इसमें शूज़ धो सकते हैं, तो इस टाइप का होता है जापान का, शूज़ धो के इसको सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए ये मशीन। हर सुविधा है जापान में गाइस। तो ठीक है गाइस, ये तो अभी मैंने डाल दिया, तो जैसे उसका बाद मैं सुखाऊंगा उसका भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस देखिए, मैं आ गया फिर कॉइन लॉन्ड्री में, वो जो अपना कपड़ा धोने के लिए जो आया था, वो कपड़ा लेने के लिए आया हूँ, उसको ड्राई भी करना है, तो देखते रहिए आप लोग। तो ये देखिए, जो मैंने ब्लैंकेट डाला था धोने के लिए, धोके हो गया, बंद भी हो गया मशीन। तो अभी मैं इसको लेके जाऊँगा, मैं बहुत टाइम बाद में आया, कम से कम 2 घंटा 3 घंटा बाद आया, अभी मैं इसको निकलता हूँ। तो देखिए ये ओपन कर दिया, ठीक है, ये अब मैं ब्लैंकेट निकाल रहा हूँ। देखिए ये ब्लैंकेट मेरा धोके हो गया, लेकिन ये जो है वेट है अभी, मतलब गिल्ला है, तो इसको मैं डालता हूँ फिर ड्राई करने के लिए डालता हूँ मैं। तो देखिए ड्राई करने के लिए मशीन जो है, ये मशीन है, ये इसमें 100 येन लगेगा ड्राई करने के लिए। ये देखिए, ये मैं डाल दिया ब्लैंकेट, एक ये दूसरा ये डाल दिया, डाल के फिर अभी बंद करता हूँ, ये बंद कर दिया। अब इसको 100 येन डालना पड़ेगा ड्राई करने के लिए, इसको ड्राई करने के लिए डाल रहा हूँ अभी, पहले धो लिया वहाँ पर, वॉश कर लिया, अब इसको ड्राई करने के लिए डालूँगा।
ये देखिए कॉइन डाल दिया इसमें, ये देखिए ड्राई होने के लिए स्टार्ट कर दिया। ये देखिए मैं इसमें यहाँ पर 100 yen डाल दिया तो ये अभी ड्राई हो रहा है। देखिए ये देखिए ड्राई हो रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो बहुत ही अच्छा सुविधा है जापान में, आपको कोई चीज़ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर बना के रखा है जापान में। ये देखिए ड्राई हो रहा है, यहाँ पर 6 मिनट दिखा रहा है, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, फाइनल जब होगा तब दिखाता हूँ, ठीक है गाइस? ओके, तो देखिए गाइस, मैं जो लेफ्ट साइड में जो मशीन है उसमें पहले वॉशिंग किया, उसके बाद राइट साइड में जो मशीन चल रहा है अभी उसमें मैं ड्राई करने के लिए दिया। वॉशिंग के लिए 800 yen लगा और ड्राई करने के लिए 100 yen लगा। 800 का मतलब होता है तकरीबन इंडिया का 500 रुपीस हो जाता है, और जो ड्राई करने के लिए दिया वो है 100 yen। 100 yen में इंडिया का अभी का जो रेट चल रहा है उसमें 65 रुपीस बन जाता है। तो देखते रहिए, हो जाएगा, 10 मिनट लगेगा। तो गाइस और एक बात ये है, आप लोगों को सब कुछ क्लियर बताना ज़रूरी है, जिनका एग्जांपल ये धोखे हो गए वहाँ पर मशीन पे, कोई दूसरा आदमी आ रहा है उनको धोखे ऐसे पड़ा है, फिर क्या करना है, वहाँ से निकल के जाके ये जो बास्केट है यहाँ पर रख देना है, जो दूसरा आदमी आएगा धोने के लिए ये बास्केट रख देगा, फिर जाके दूसरा आदमी उसमें डाल देगा धोने के लिए, ना इस टाइप का होता है। कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसे कि हम लोग 2 घंटा पहले डाल के गया था, देखिए धोखे उधर ही पड़ा था, आज उतना क्राउड नहीं था तो ऐसे पड़ा था, तो मैं आके फिर इस मशीन पे डाल दिया, ठीक है ना। तो देखिए गाइस और 2 मिनट रह गया, ये देखिए ड्राई होने के लिए, ठीक है, ये देखिए अभी ड्राई हो रहा है, इसमें बहुत हीट आ रहा है, मुझे भी हीट लग रहा है। देखिए इस टाइप का होता है जापान का कॉइन लॉन्ड्री, बहुत ही अच्छा सुविधा करके रखा है लोगों ने, हर चीज़ का सुविधा करके रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जापान में जो भी आप करना चाहते हो सब इजी में हो सकता है। देखिए और 1 मिनट रह गया, अब भी हो जाएगा बंद, ये देखिए हो गया। देखा गाइस, तो इस टाइप का होता है जापान का कॉइन लॉन्ड्री। तो गाइस ये तो हो गया, मैं अभी इसको निकालता हूँ, फिर आप लोग देखते रहिए कैसे निकालता हूँ, ठीक है, और फिर आप लोग देखते रहिए कैसे निकालता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखिए धोके हो गया, हाँ सूख भी गया, ड्राई हो गया, 100 रुपीज में ड्राई कर दिया। ड्राई, अब इसको मैं सेटिंग करके ले जाता हूं अपना रूम। सूख गया, ड्राई हो गया, फुल ड्राई हो गया। तो ठीक है गाइज, आप लोगों ने आज ये वीडियो देखा, कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा गाइज, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज़।